नमस्कार, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर और सेंचुरी मास्टर ज्योति अरोड़ा, और मैं अब आपको बताने जा रही हूं आपका जुलाई के महीने का टैरो फोरकास्ट। और ये फोरकास्ट बेस्ड होगा आपके सन साइंस पर, यानी कि आपके जन्म की तिथि के अनुसार जो आपकी राशि बनती है उस पर। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे महीने में, जुलाई के महीने में कैसा रहेगा आपका करियर लक, कैसे रहेगी आपकी फाइनेंसिस की स्थिति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष यानी कि एरीज साइन से। तो चलिए मेष राशि के लिए मैं सबसे पहले कार्ड निकालती हूँ। तो मेष राशि के लिए निकल कर आया है सन कार्ड। तो मेष राशि का कार्ड ये बताता है कि थोड़ा सा जो आपने जून के महीने में अगर आपने कोई ड्राई पीरियड देखा अपने बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, तो आप बिल्कुल उससे बाहर निकल जाएंगे और आपकी जो भी दुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उससे निकल जाएंगे। और एक जैसे बोलते हैं ना, एक सूरज निकलता है और स्प्रिंग सीजन आ जाता है, ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है क्योंकि निकल कर आया है आपके लिए सन कार्ड। सन कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है, ये आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से महीना होने वाला है। इस महीने आपको नई जॉब मिल सकती है, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और आपकी एग्जिस्टिंग जॉब में भी आपको काफ़ी सराहना मिलेगी। आप में से जो लोग अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर टाइप के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है जुलाई के महीने में। तो आप लोगों के लिए मंथ 10/10 हो सकता है। तो अब हम वृषभ राशि की बात करें, टॉरेंस के लिए जो कार्ड निकल कर आता है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस में लेने होंगे बहुत ही सोच समझ के निर्णय, बहुत ही प्रैक्टिकल सूझबूझ के साथ निर्णय लेने से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल भी भावनाओं में नहीं बहना है। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़े किसी एक व्यक्ति के साथ। हो सकता है कि आप मतलब कुछ ऐसी नाइंसाफी, आपको लगे नाइंसाफी हो रही है, लेकिन क्या है ना, जब आपको बिजनेस करना पड़ता तो थोड़ा सा अपने साथ प्रैक्टिकल होने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। तो आप इस महीने थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही रहें। और देखिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके बारे में एक बात बताती हूँ। आप अगर सोच रहे हैं ना कि आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर देंगे रोज, बॉस गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करके, तो वो सब नहीं चलने वाला। इस महीने आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जज किया जाएगा। आपके बॉस बिल्कुल भी आपकी मीठी मीठी बातों में आने नहीं वाले हैं, तो बटरिंग वटरिंग कुछ नहीं चलने वाली है। तो आपके परफॉर्मेंस हिसाब से आपको जज किया जाएगा, और आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका एप्रिसिएशन भी मिलेगा और आपकी कॉम्पिटेंस आपके काम आएगी। तो ये है आपके लिए इस महीने का फोकस। तो मिथुन राशि की बात कर ली जाए, तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। ये है जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड मेरा फेवरेट कार्ड है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की शुरुआत आप अब करेंगे वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए, कुछ होता है कि आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस महीने आप कंप्लीट कर पाएंगे। कोई ऐसा काम जो कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन से जुड़ा है वो भी आप कर पाएंगे। अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है तो बहुत बढ़िया, आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रेजेंट देगा। देखिए ये कार्ड, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरा जो स्पेशली ये कार्ड है, मैंने इस कार्ड से बहुत बार देखा है। अगर आपका कोई ऐसा जैसे बोलते हैं ना मीडिया से जुड़ा हुआ काम है जिसमें आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो आप बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं वेब से आपको कनेक्ट करता है। देखिए, जो भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो अलग अलग तरह से प्रिडिक्शंस देते हैं, लेकिन क्योंकि हर चीज़ का एक डायनेमिक होता है, हमें समय के अनुसार रीडिंग्स को करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड कहीं ना कहीं हमें आज के सोशल मीडिया से जोड़ता है। तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए जेमिनाइज के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग दुनिया पे छा सकते हैं, अपना जादू दिखा सकते हैं, लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे भी काफ़ी खुश हो जाना चाहिए इस बात पे। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि की बात कर ले, तो कैंसर यानी कि कर्क राशि की अगर मैं बात करूँ तो लवर्स कार्ड निकल कर आया है आपका। देखिए, अगर करियर में लवर्स कार्ड निकल कर आया है तो ये बात तो पक्की है कि आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन आने लगी वाली है कि आपको शायद ऐसे क्रॉस रोड पे आना पड़ सकता है कि आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है। आप अपनी करेंट जॉब में है लेकिन आपको कोई और ऑफर आ गया और आप समझ नहीं पा रहे कि ये ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, बिकॉज वो ऑफर अच्छा तो है लेकिन एग्जिस्टिंग जॉब में जो आप कर रहे हैं या जो भी आपके पास पर्क्स हैं वो और उस नई जॉब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और हो सकता है कि बहुत अच्छा ऑफर है लेकिन करंट जॉब वाले भी आपको जाने नहीं दे रहे और वो उस ऑफर को मैच करने को तैयार है या कुछ अच्छे प्रॉमिसेस कर रहे हैं। तो इस तरह का कुछ मतलब सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के लिए, मतलब आप क्रॉस रोड पे हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी
डिफिकल्ट होगी। एक चीज़ और है, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी स्ट्रॉन्ग मेंटोर की, किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति से आपको सलाह लेनी चाहिए जो आपके लिए इस दुविधा से आपको निकालने में सहायता करे। यानी कि सिंह राशि के लिए कार्ड निकालती हूँ। सिंह राशि के लिए निकल कर आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड प्रोस्पेरिटी का कार्ड है। ऐसा लगता है कि लियो राशि जो है ना, सिंह राशि वाले इस महीने अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर होंगे, बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो बहुत बड़ी किसी कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है, अच्छे पद पर जा सकते हैं, या कोई ऐसी आपको पोजीशन ऑफर हो सकती है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा अच्छा करियर पाथ आपके लिए तैयार हो, आने वाले समय में आप बहुत राइज कर सके, ऐसी पोजीशन आपको मिल सकती है। फाइनेंसिस के बारे में बोले तो आप अपने हर फाइनेंशियल नीड को पूरा कर पाएंगे और अच्छे से सेविंग भी कर पाएंगे, तो अच्छा मंथ है आप लोगों के लिए और कैश फ्लो भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी पेमेंट कहीं रुकी है तो मुझे लगता है इस महीने आप पेमेंट प्राप्त कर पाएंगे। कन्या राशि का रुख करते हैं। कन्या यानी कि वर्गो राशि, तो वर्गो राशि के लिए ये कार्ड निकल कर आया है एट ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए ये कार्ड तो बताता है कि आप चीज़ें थोड़ी सी फंस सकती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपको रखना होगा थोड़ा लो प्रोफाइल। ये कार्ड ये सजेस्ट करता है कि आपको लगेगा कि चीज़ें मूव ही नहीं कर रही हैं आपकी, और कभी इधर से प्रॉब्लम, कभी उधर से प्रॉब्लम, और इस तरह से आप बहुत ज़्यादा ना थोड़ा सफोकेटेड महसूस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब आप दूसरों को ब्लेम करने लगे, मेरे साथ के लोग ही ऐसे हैं, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, हर चीज़ में आप दूसरों को ब्लेम करते हुए नजर आएंगे, और यही आपकी आदत जो है ना, ये आपके लिए इस प्रॉब्लम को और मल्टीप्लाई करेगी। तो बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ की, इसके बारे में ना ब्यौरा मत दीजिए लोगों को कि आप परेशान हैं, क्योंकि आपकी परेशानी का जिक्र करना बार बार उसको मल्टीप्लाई करेगा आप लोगों के लिए। कहते हैं ना, जो हम बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, तो आप उसको मैनिफेस्ट मत कीजिए, थोड़ा पॉजिटिविटी रखिए। आप इस थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखने का समय है आपके लिए, धीरे धीरे देखिएगा अगले महीने शायद थोड़ा सा और बेहतर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा कन्या राशि के लिए अगला महीना। इस महीने जैसा चल रहा है उसे किसी तरह से क्रॉस कीजिए, उलझिए मत। हैं तो लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए ये है तुला राशि टेन ऑफ वॉन्ट्स। देखिए टेन ऑफ वॉन्ट्स कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। पहली बात यह है कि आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे इस महीने। आपकी महत्वाकांक्षाओं का जो बोझ है वो आप पे इतना हैवी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा काम करना चाहेंगे। आप मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हैं, आप हर काम खुद करना चाहेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मैं ऑफर भी खुद बनाऊं, मैं क्लाइंट से भी खुद बात करूं, एग्जीक्यूशन भी मैं खुद करूं। तो मतलब अगर आप सारे काम खुद करेंगे तो आपके साथ जो बाकी आपके कलीग्स हैं वो क्या करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेलीगेट करें अपने काम को, लोगों को काम बांटें। लेकिन आप क्या है ना, लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे, आप कहेंगे सब मुझे खुद करना है। इसकी वजह से आप ओवरबर्डन हो जाएंगे। ओवरबर्डन होने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ये कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि ओवरबर्डन ना होइए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप प्राप्त कर सकते हैं जो चीज़, लेकिन आपको श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ठीक है कि श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपने आप को ओवरबर्डन करना आपके लिए सही नहीं रहेगा, ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है आप लोगों को। तो अगली राशि है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए ये रहा कार्ड। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड निकल कर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड ये बताता है कि आपका जो, जिसे कहते हैं ना भाग्य, आपके करियर का जो मार्ग है वो बदल रहा है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे उसमें बदलाव आ रहा है। जो भी चीज़ें आपकी नीचे गई थी अभी, जो भी आप नेगेटिव फेज से निकले हैं, वो एकदम से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप बिल्कुल बिल्कुल स्तब्ध रह जाएंगे कि कैसे सब दिशाएं बदल गई, कैसे सब दशाएं बदल गई, सब लोगों का दृष्टिकोण बदल गया आपके लिए, और सब बहुत पॉजिटिव हो जाएगा आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि ये महीना आपकी सारी चीज़ों को बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना सरप्राइजिंगली, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। और जिसे बोलते हैं ना, जो डाउन है वो अप हो जाएंगे। अप से डाउन होता वो मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिवली प्लेस्ड कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज मेरी जो इंट्यूटिव पावर्स है वो डेफिनेटली यही बता रही है कि स्कॉर्पियो राशि के लिए ये महीना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंसिस के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस महीने जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा गेन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो अगली राशि के बारे में बात करते हैं, तो सेजिटेरियस की हम बात कर लें। तो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, तो धनु राशि के लिए कार्ड गिरा
धनु राशि के लिए निकल कर आया है प्रिंसेस ऑफ हार्ट का कार्ड। देखिए प्रिंसेस ऑफ हार्ट का कार्ड ये बताता है कि आपको बहुत समय से किसी कॉन्ट्रैक्ट की या किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से कुछ कम्युनिकेशन करना था, वो कम्युनिकेशन की वजह से आप बहुत निराश थे कि आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो वो कम्युनिकेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वो कम्युनिकेशन अब होगा आपका, वो कम्युनिकेशन आपके आने वाले जो है ना अड़चनों को दूर करेगा। और ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव मंथ है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात और, क्योंकि मन से भी आप प्रसन्न रहेंगे, लोगों से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। ये महीना जिसे बोलते हैं ना आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए बहुत अच्छा, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे इस पूरे महीने। लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, लोगों में आपका, आपके बारे में लोग चर्चा करेंगे। मुझे लगता है फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ही है, लोग दिल से बहुत आपसे जुड़ना चाहेंगे। जब आपके ऐसे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं ना तो फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होता है आप लोगों को। तो ये इसे बोलते हैं ना, जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट बिल्डिंग का महीना रहेगा आपके लिए, और इस समय आप इसी पर थोड़ा काम कीजिए। और फाइनेंशियली मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गेंस आपको अभी मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको गेंस ज़रूर मिलेंगे इस जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद, वर्क से ज़्यादा जो है ना रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट के बाद। चलिए अब कैप्रिकॉर्न की हम बात करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये रहा कार्ड, कैप्रिकॉर्न के लिए निकल कर आया है चैरियट का कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। देखिए अब तक कुछ भी अगर डिफ़िकल्टी रही है, कुछ भी अपोजिंग फोर्सेस थे, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो आप संतुलन में नहीं आ पा रहे थे, कि बैलेंस ही नहीं कर पा रहे थे अपने सिचुएशन को, तो अब कर पाएंगे आप बैलेंस। ये कार्ड मुझे बताता है कि आप बहुत विक्टोरियसली बहुत चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। अगर आप किसी भी बिड कर रहे हैं, कोई टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई ऑर्डर के लिए बिड कर रहे हैं, तो आपको विक्ट्री अवश्य मिलेगी। वो ऑर्डर, वो टेंडर आपके हाथ 100% लगेगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है या कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको या तो आप खुद ट्रैवल करते हैं या आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये पूरा महीना। जुलाई का महीना आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। ये ट्रैवल के लिए भी अच्छा है, खास करके रोड ट्रैवल के लिए जो बिज़नेस है ना उनके लिए काफ़ी अच्छा है, कि टूरिज्म काफ़ी अच्छा रहेगा, रोड ट्रैवल वाला इस तरह का इंडिकेशन है। हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ आप लोगों के लिए ना, आप लोगों में से काफ़ी लोग जो इस राशि के हैं उनके लिए वाहन खरीदने का योग भी बनता है इस महीने। तो आप प्लान कर रहे थे गाड़ी खरीदने का या बाइक खरीदने का या स्कूटर खरीदने का, तो चलिए जाइए और ले लीजिए, बुक करा लीजिए गाड़ी। तो अगली राशि के बारे में, एक्वेरियस के बारे में बात कर ली जाए, तो एक्वेरियस के लिए ये है कार्ड। एक्वेरियस के लिए निकल कर आया है 3 of Swords का कार्ड। काफ़ी वरीड लग रहे हैं आप लोग इस महीने, बहुत चिंता में, बहुत स्ट्रेस में। कोई पर्सनल प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को हिट कर सकती है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखना पड़ेगा आपको इस महीने। मतलब मुझे लगता है कि स्ट्रेस हो सकता है आपको, कि आपको हैंडल करना पड़ेगा अपनी इमोशंस को, अपनी स्ट्रेस को। वो स्ट्रेस जो है आपकी इस महीने की प्रोफेशनल लाइफ को इम्बैलेंस कर सकता है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपको अपने आप को बैलेंस करके चलना चाहिए, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस चीज़ को बैलेंस करके चलें। अगली राशि मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि का निकलता है ये कार्ड, मीन राशि का निकला है डेविल। मीन राशि का जो निकला है डेविल कार्ड, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी स्पेकुलेशन की आदत है, अगर आप स्पेकुलेशन में मतलब इन्वॉल्व हैं किसी भी तरह की सट्टेबाजी में या शेयर मार्केट में या किसी भी तरह का, अगर आप मतलब सट्टा खेलते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ख़तरनाक महीना हो सकता है। आप बहुत मेजर लॉस खा सकते हैं। प्लीज़ इंडल्ज मत कीजिए इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में। इस साल आप जो मर्जी करें, लेकिन इस महीने खास करके आपको म्यूचुअल फंड वगैरह इस की चीज़ों में भी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि आपको इस महीने अगर आप कुछ भी करेंगे तो मेजर लॉस हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में सोच रहे थे किसी भी तरह का, तो ये महीना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जहाँ तक आपके वर्क प्लेस की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा आपको बताना, कि आपके वर्क प्लेस पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको काम करने में थोड़ा सा एक जिसे बोलते हैं ना कि एक नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आ जाए, इस तरह की फीलिंग दे सकती है। तो आप अपने जो वर्क प्लेस पर थोड़ा सा कपूर जलाइए, और थोड़ा सा हो सके तो किसी फेंगशुई मास्टर या किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर थोड़ा सा अपने वहाँ की एनर्जीज बैलेंस करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है आपके वर्क प्लेस पर जो आपके लिए ठीक नहीं है, और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके कलीग्स हैं उन सबको प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, उसका उपाय करने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये था आप सभी राशियों के लिए इस जुलाई के महीने का करियर और फाइनेंसिस का हाल।
मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इन टिप्स से, मेरे फोकस से कुछ गाइडेंस मिलेगा और उससे आप अपने मंथ को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी आशा के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।